कैसे हो? ठीक हूँ। महसूस हो? चलो देख लो, मेरी मम्मी, मेरी बुआ, मेरे फूफा सब जग रहे 12 बजे तक। गुड़ की पट्टी गर्म गर्म। फिर चल पड़े हम साउथ इंडियन खाने। लो जी, फिर आ गए हम मसाला डोसा खाने के लिए। हम अक्सर यहीं पे आते हैं, बहुत अच्छा बनाता है। अभी ये कौन सा वाला डोसा आ रहा है? महसूस है, ये बिल्कुल अलग सा है। महसूस मसाला डोसा है, आज हम दोबारा आए थे साउथ इंडियन खाने। आर्यन की फरमाइश पे आर्यन को डोसा बड़ा पसंद आया था, तो आज दोबारा से डोसा खाने आए हैं आर्यन के साथ। आर्यन भागा रहा है, डोसा वोसा खा लिया है, खुशी के लिए मोमोज पैक कर आए हैं। अभी मोमोज ले लेते हैं, फिर चलते हैं वापस। अभी दिखा देती हूँ, आर्यन आगे भाग रहा है, अभी दिख रहा है पीछे मुड़ के। आर्यन मोमोज लेने गया है, देखो इतनी भीड़ हो रही है मोमोज की चौक पे। देखो आर्यन कौन से मोमोज लेना पता तो दे। नहीं नहीं रहने दो, कोको कुछ नहीं। अभी लेते हैं मोमोज, फिर चलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह का दिन है और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 बजे के आसपास हो गया है। अभी आ गए हम सबसे ऊपर, क्योंकि जो लाइटें हमने लगाई थी उतारने का टाइम आ चुका है। मतलब 10 दिन हो गए हैं आज, तो हमने सोचा संडे है, लाइट उतार लेते हैं। अभी ऊपर आए हैं, फिर एक एक करके लाइट उतारेंगे। नीचे की हमने उतार दी है, जो नीचे लगाई थी ना सबसे, उतार दी है सारी, एक ही रह गई है। अब ये दिखाती हूँ आपको मैं, ये देखो मैंने सुबह उठते अपने हस्बैंड को लगा दिया है लाइट उतारने के लिए, नहीं तो ये करेंगे नहीं कोई काम। नीचे के हटा के आए हैं, अभी आए ऊपर, और एक एक करके ये लाइट हटा देंगे। ये देखो कर दिया इन्होंने, आते एक कुंडा मतलब लाइट कर दिया ख़राब। चलो अभी हटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये लो जी लाइटें मैंने सारे उतार दिए हैं, ये ताम जाम सारा हटा दिया है, वो नीचे रखी है। आप इसको एक बॉक्स में रख के और रख देंगे ताकि अगली दिवाली पर काम आ जाए। ये हटा दिए मैंने, आज माता रानी का दरबार भी साफ करना है पूरा। ये देखो इसको भी पूरा साफ क्लीन करके मूर्ति रख देंगे, ताकि नवरात्रों में ही निकालेंगे अब इसको हम। अब नीचे पूजा करेंगे। ये है माता रानी, कितना सुंदर दरबार लग रहा है माता रानी का। ये हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी, नहा धो के रेडी हो गए हैं बिल्कुल सारे के सारे। और आज है, आज कौन सी रसम है आंटी? भात की रसम है आज, वो दिखाएंगे आपको सारी कैसे होती है, क्या करते हैं। तो अभी बस सब रेडी है, ढोल बोल बजने स्टार्ट हो गए हैं, अभी बंद हो गए हैं। अभी आपको दिखाएंगे लाइव, चल के बिल्कुल दिखाएंगे सारा। अभी चलते हैं, फिर वहीं मिलाते हैं आपसे। जी शाम के बज गए हैं 7:15, और हमारी गाड़ी आज फिर निकल पड़ी है झज्जर के लिए। अभी हम फिर जा रहे हैं झज्जर। मेरे दांत में जो पेन था ना, उसका काम बचा हुआ था पेंडिंग में, आज थोड़ा सा पूरा करा लेंगे। और अभी चलते हैं, ये मेरे हस्बैंड को बटेक वाला काम दे दिया है मैंने, फ्रूट व्रूट हाथ में लेके। गाड़ी हमारी बाहर आ गई है, अभी चलते हैं फिर झज्जर, मिलते हैं आपसे। ये देखो बॉक्स लेकर आए हैं आज नया, मतलब विदाई का, सबसे पहले विदाई का दिखा रही हूँ मैं आपको। जब लड़की की विदाई होती है ना, जब इसमें स्वीट्स रख के देते हैं, वही है ना ये। हाँ, पहले पॉलिथीन में दिया करते, गलत बात है। अच्छी है ये, देख काफी सुंदर लग रहा है ये। देख दूध, ये सारे बर्तन देने हैं। हाँ, ये दूध का गिलास, ये दूध पीने वाला ग्लास। अब जो ग्लास लेगा भाई, वो भी बस कोई ले जाएगा, वो देगा थोड़ा, वो तो ले जाता है। ये देख, ये थाली वाली, ये कांसी के बर्तन। अच्छा, ये 5 बर्तन ले आए। हाँ, ये एक यो, ये कटोरी। अच्छा, 5 बर्तन ये छोटे छोटे ले आए। हाँ, इसमें वो भी धोनी चाहिए, टोकनी और वो बेना करते।
ना करते कौन बरतता है कटोरी की भी है। अच्छा पूजा में रख लेगी ना पूजा। अच्छा अच्छा ये चम्मच नहीं भाई मारे तो टोकर नहीं यार वो आ रही है परात है बेला थाली ऐसे से बर्तन आ रहे हैं। ये ग्लास भी ले हाँ फूफा कति बदला लूंगी मैं। हाँ फूफा देख लो सारे बर्तन लूंगी अपने जो जो ना दिए थे। हाँ ठीक है मैं अपने ब्लॉग में दिखा रही हूँ प्रूफ लूंगी सारी चीज। हाँ तू बात नहीं होने दूंगी अपने साथ याद है मेरे दीदी जो तो दी थी मेरे ये न्यू सेट है ना ये न्यू हाँ ये पूजा में यूज होगी अब वैसे तरह होगी। ये पांच बर्तन हाँ अच्छी लग रही है ये चमकेगा थी ये नन्नू आ गया देख लो परले घर जाने के मारे जब से ये मिला नहीं था मुझे एक बार मिला है मुझे ये तासू देखो ये देखने आए मैं जुलूस निकालने आए मेरा ये अब दांत का ट्रीटमेंट होगा ये देखेंगे सारे है ना देखेगा ना तू मुझे पता है देखने आया है ये टाइनी देखने आए देख टाइनी शोना है ये देखो शोना कैसे हो ठीक हो बोलो आप कैसे हो करो को ऐसे ऐसे असली वाली कर ऐसे ये अंशु देख लो अभी तक बैठी है 12 बज गए सो जा देखो बुग्गी देखो ये बुग्गी चल रहे चलो देख लो मेरी मम्मी मेरी बुआ मेरे फूफा सब जग रहे 12 बजे तक। हाँ 12 बज गए रसगुल्ला कल परसों आएगा गाड़ी ना गन कर लिया था परसों आएगा मैंने बोला परसों ना ना तू व्हाट्सएप कर देना मेरे कार्ड ना ना मैं लोगों तू बता दूंगा मैं आऊंगा। अच्छा सारा दिया होगा मित्राओं भी दिया होगा। कल रात को है ना हमने सामान मंगाया था कुछ ग्रोसरी का और ये देखो सुबह के सिर्फ 8:30 हुए हैं और डिलीवरी और आ गया है ये देखो बाहर खड़ा हुआ है बिल्कुल और ओपन किट कर दिया इन्होंने और सारा सामान ये नीचे उतार रहे हैं। इतना बेनिफिट है आज के टाइम में ऑनलाइन करो और सीधा घर पे। अब मैं दिखाती हूँ क्या क्या मंगाया था। आर्य ने भी अपने वो मंगा लिया ना जूस वूस ये देखो जूस मंगाया टाइम सर्फ एक्सल इजी राइस वाइस कुछ मंगा लिया शैम्पू सब बस हाँ रात को गया था 2:30-10 बजे हो। तो आज मम्मी ने बनाए हैं छोले भटूरे। पापा कैसे हैं? बहुत अच्छे बने हुए। तो मैं बाहर के छोले भटूरे बिल्कुल नहीं खाती पर घर के सही है। तो जी अभी बनाई है मैंने गुड़ की पट्टी गर्म गर्म। सर्दियों में फर्स्ट टाइम गुड़ की पट्टी बनाई है मैंने। आज मूंगफली नहीं थी मेरे पास तो मैंने इसमें डाला तिल और काजू के साथ गर्म गर्म बन के हो गए बिल्कुल रेडी। अब इसको कट कर लेते हैं और फिर गर्म गर्म खाते हैं। सीजन की पहली गुड़ की पट्टी बना ली है हमने बिना मूंगफली के तिल और क्या डाला था काजू तिल और काजू के साथ इतनी टेस्टी बनी है वाव। और पीस देखो कैसे इतने कटे हुए हैं बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी जैसे बहुत टेस्टी है। तीसरा पीस है ये अब और नहीं छोड़ रखा मीठा 2 पीस खा गए छोड़ रखा है मीठा वाव वाकई में बहुत टेस्टी बनी है बहुत टेस्टी बिल्कुल यम्मी टेस्ट है बर्फी जैसा टेस्ट है एकदम। हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करी है अभी और सर्दियों में तो हमारे यहाँ बनती ही रहती है हमेशा। अब नेक्स्ट टाइम मूंगफली के साथ बनाएंगे।